दोस्तों नमस्कार, मैं देवरत्न अग्रवाल। दोस्तों एवरेज इंसान बनना जीवन में एक सबसे बड़ी बीमारी है, और दोस्तों ये जो बीमारी है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, ये हमारी सोच में बन गया है, हमारी कोई मदद नहीं करता, ये हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बड़ी सोच नहीं है। पर दोस्तों पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही गलत है। एवरेज इंसान बन के जीने में कोई भी खर्च नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवन तो एक जानवर भी जी रहे हैं, तो उनसे अच्छा क्यों नहीं जिया जा सके। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि हम जितनी भी मुसीबतों को सहते हैं, हम उसके जिम्मेदार अपनी हालातों को समझते हैं, जबकि सही ये है कि जिम्मेदार हम खुद होते हैं, पर हम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर लाइफ में छोटे से भी कोई अवसर आए, तो उसको पकड़ कर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि वो छोटा अवसर आपको जीवन में एक बड़ा अवसर दे दे। दोस्तों अगर आप अपनी सोच को बड़ा करोगे, सो आज मैं जिन जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, आने वाले समय में आप भी उन लोगों के लिस्ट में आपका नाम शुमार हो सकता है। इस तरह से सोच रखिए कि बस सफलता की सीढ़ी में आपने पहला कदम रख ही लिया है, और आने वाले समय में आप सफल होने वाले हैं। तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप कितने सफल होते हैं। दोस्तों अगर ये जो एवरेज इंसान वाली बीमारी धीरूभाई अंबानी रख लेते हैं, तो चौथी फेल इंसान एक पेट्रोल पंप में खड़े होकर सेक चिल्ली वाले खराब देखने वाले एक इंसान, जो जिस समय 25 पैसे की चाय आती थी ना, उस समय भी वो 1.5 रुपए की चाय ऐसे लोगों के साथ बैठ के पीते थे जिनकी सोच बड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे छोटी सोच और पाँव में मोच कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर एक मध्यम परिवार का एक लड़का, जो 10वीं भी पास नहीं कर पाया, और उसको कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून था, और जिस खेल में वो गया आज खेल उससे जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, तो बहुत से लोग कहते हैं उनके बारे में कि वो बड़ी किस्मत वाला लड़का था, क्योंकि वो जिस मोहल्ले में वो रहता था, उस मोहल्ले में एक सावर कैफे था उसके घर के कुछ दूर, जिसमें वो अपना दिन रात 24 घंटे को उस सावर कैफे में बिताता था। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस मोहल्ले में कोई दूसरा और लड़का नहीं था क्या? वो सोच उसी में ही क्यों थी? दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, बिल गेट्स आज भी अपना पूरा धंधा बंद करके बैठ जाएं, सो आने वाले 800 साल तक वो हर दिन भी 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ना, तो भी उनका पैसा खत्म नहीं होने वाला। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन एक मध्यम परिवार से आने वाला लड़का, जिसे कोई नहीं जानता था, दोस्तों उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि अगर लोग उन्हें ना नहीं करते, सो वो अपने आप को साबित कभी नहीं कर पाते। दोस्तों जेके रेलिंग अपने घर में 3 साल के बच्चे को सुलाने के टाइपराइटर में बुक लिखा करती थी। अच्छा, उसकी बुक जो हैरी पॉटर है, वो 8,800 रुपए की बुक 4 साल के बाद एक कॉपी बिकी, आज उसके बाद 22,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दोस्तों थॉमस एडिसन, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके टीचर ने उनको घर भेज दिया था, क्योंकि वो सवाल बहुत पूछते थे। अच्छा, 3 से पहले 2 क्यों आता है, 2 से पहले 1 क्यों आता है? और अगर उनकी बात की जाए, सो ग्रामोफोन लाइट उनका आविष्कार है। उनसे पूछा गया था कि उन्हें जो लाइट का आविष्कार किया था, 10,000 बार उन्होंने कोशिश की थी, और 10,000 बार जाके उन्हें लाइट का आविष्कार किया था। उनसे पूछा गया था कि 9,999 बार आपको कैसा लगा? सो उन्होंने कहा कि 9,999 बार ठीक मैंने ये पाया कि इस तरीके से तो लाइट नहीं बन सकती है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद इस साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति, जिन्हें पूरी दुनिया जानती, उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, पर तब तक डटे रहो जब तक कि मंजिल ना मिले तुम्हारी लाइफ में। दोस्तों अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, आपको तो पता ही होगा, उनको तो दुनिया जानती है। अगर मैं बात कहूँ, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये सब ना एवरेज इंसान थे, पर ये बहुत जल्दी समझ गए कि एवरेज इंसान बनना बहुत खतरनाक है, इसलिए इन्होंने एवरेज इंसान बनने से मना कर दिया और अपनी सोच को आगे बढ़ाया, और आज इस पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इतना पैसा होने के बाद, इतना नाम होने के बाद, इन लोगों को तकलीफें नहीं होती? दोस्तों आपको जितनी तकलीफ होती ना, अब उतना ही जोर से चिल्लाते हो और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप 500 रुपए कमाते हो, तो आपको 500 रुपए बराबर तकलीफें होंगी। अगर आप 5,000, अगर आप 50,000 या आप 5 लाख रुपए कमाते हो, तो आपको 5 लाख बराबर तकलीफें होंगी। पर दोस्तों तकलीफें तो हर इंसान को होती है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलना है, इस एवरेज इंसान से बाहर निकलना है, इस बीमारी को खत्म करना है, सो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की के साथ भी आपकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।